झारखंड की सभ्यता और संस्कृति को विश्व पटल पर रखने के लिए बोकारो जिले का यह नौजवान पद यात्रा कर रहा है और लोगों में संदेश पहुंचा रहा है कि हमारा झारखंड की सभ्यता और संस्कृति बेहतर है, इसे बचाने का प्रयास किया जाए। आज हम एक ऐसे शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं जो झारखंड की अलख जगाने के लिए पद यात्रा कर रहे हैं। पद यात्रा के दौरान जहाँ इन्हें ठिकाना मिल जाता है रुक जाते हैं, अन्यथा अपने निजी खर्च पे पूरे झारखंड की पहचान विश्व पटल पे लाने के लिए बेताब हैं। इन शख्सियत का क्या नाम है जानते हैं और क्या कुछ उद्देश्य लेकर झारखंड की पद यात्रा पे निकले। क्या नाम है आपका? जोहार, मैं सर आर्य गुप्ता, बोकारो जिले से। क्या अलख जगाने की कर रहे, देख रहे पीछे तिरंगा है और पूरा ड्रेस पहन के कहाँ चले और इकला चलो में क्या कर रहे हैं? झारखंड के 2400 जिला को भ्रमण कर रहा हूँ, पदयात्रा कर रहा हूँ। तो पदयात्रा अपने झारखंड की जो कला संस्कृति है, हमारे यहाँ अपनी जो इतिहास है, तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आज के टाइम पे पूरे विश्व को जानना चाहिए था, वो जान नहीं रहे। एक बहुत ही गंदा मिसकंसेप्शन लेकर के चल रहे हैं जिससे यहाँ के युवाओं को परेशानी हो रही है बाहर में, तो वो चीज़ें दूर हो पाए उसकी कोशिश कर रहा हूँ मैं। अपने झारखंड की चीज़ों को ब्लॉग के माध्यम से लोगों तक प्रचार प्रसार कर रहा हूँ अपने झारखंड की, कि देखिए हमारे झारखंड के बारे में जो मिसकंसेप्शन है उसको दूर कीजिए। साथ ही साथ अपने झारखंड के जो लोग हैं उनको जन जागरूक कर रहा हूँ, पदयात्रा करते हुए करते उनसे मिल रहा हूँ और उन्हें ये विशेषता बता रहा हूँ कि इन चीज़ों पर गौरवान्वित आप हो सकें। ऐसी चीज़ें हमारे झारखंड में शुरुआत कर सकती है 18 दिसंबर को अपने बोकारो जिला के जैनामुर गाँव से शुरुआत की है इस पदयात्रा को। बीच में 1.5 महीने होकर के आज 119 महीने की जो गैप हो थी वो हुई है एक्चुअली एग्जामिनेशन की वजह से, उसके बाद आज 119 दिन। जिस समय युवा जो हैं इधर उधर का काम करते हैं या पलायन करते हैं, झारखंड की बात करें तो सबसे ज़्यादा पलायन है और बहुत सारे ऐसे जैसे विश्व पटल पे नाम भी दिया है जैसे महेंद्र सिंह धोनी हो गए, सौरभ हो गए, तो इस तरह के जब युवाओं में अलग अलग पहचान है बनाने के लिए, बाहर कमाने के लिए, उस समय इस पद यात्रा क्या मन में विचार है और कैसे आया? पेशे से मैं भी एक अभियंता हूँ, डिप्लोमा इंजीनियरिंग मैंने की है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक खुटरी से, और वैसे इसके पहले मैं 12 राज्यों को भ्रमण कर चुका हूँ। पद यात्रा नहीं की वहाँ पर, बाय ट्रांसपोर्टेशन, तो लोगों की संस्कृति को मैंने देखा वहाँ के राज्यों की। और मैं जब खुद भी जॉब करने के लिए महाराष्ट्र गया, कि आप कहते हैं प्लान तो प्लान में भी गया, तो वहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी कि झारखंड के लोगों को बहुत पत्ता पहनता हुआ अक्षम से आया होगा, तो कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सताती है युवाओं को, और इससे पहले मुझे लगता है ये चीज़ें दूर हो जाती अगर यहाँ के जो भी सेलिब्रिटीज़ थे कभी झारखंड के बारे में कुछ बातें कहते। तो मैंने सोचा कि अगर मुझे आती है तो मुझे ही करनी चाहिए, और अगर हम ना करें तो फिर कौन करे, क्योंकि आगे भी जनरेशन को ये फील ना हो इसके वजह से। इस उम्र के पढ़ाव में जो आप ये कार्य कर रहे हैं तो घर वाले क्या कहते हैं और आपके जो दोस्त हैं यार वो क्या कहते हैं? दोस्त भी बहुत बड़े बड़े पदों के हैं तो उनको टाइम नहीं मिलता है कि हमारे साथ बहुत अच्छे से बातचीत करें। बिल्कुल इस बात की भी डिस्कस की थी तो वो बहुत भली भांति परिचित है मेरे व्यक्तित्व से, तो उन्हें बोला जो भी आपको ठीक लगे आप कीजिए, हमें आप पर भरोसा है। और पेरेंट्स का भी कुछ ऐसा ही रिएक्शन है और थोड़ी सी परेशानी तो होती है, बस सब में उन्होंने पूछा कि तुम्हें नहीं लगता कि तुमने एक कठिन काम चुन लिया। इसके बाद क्या है ना कि पेरेंट्स डेडिकेशन देखते हैं अपने बच्चों की, अगर डेडिकेशन होती है तो खुद बहुत पेरेंट्स मान लेते हैं। झारखंड के युवाओं को क्या संदेश देना? उनको ये संदेश देना चाहेंगे कि शिक्षित होने के लिए पढ़ें, साक्षर होने के लिए नहीं, और पढ़े तो कुछ ऐसा पढ़े कि अपने झारखंड के बारे में विशेष जानें, अपने हकों को जानें, अपनी चीज़ों को जानें और गौरवान्वित होने के लिए सीखें। जरूरी नहीं है कि आप प्लान करके कहीं पर जाएँ, बल्कि यहाँ पर भी आप खुद ऐसे चीज़ें डेवलप कर सकते हैं जिससे लोगों का प्लान भी रुक सकता है, और ये तब होगा जब आप शिक्षित होने के लिए पढ़ेंगे। और सबसे प्लस पॉइंट मैं बोलूँगा कि अगर आपने कहीं जॉब भी कर रहे हैं आप कहीं पे बाहर स्टेट में निकल करके, तो वहाँ जा करके अपने झारखंडी संस्कृति का मान जरूर बढ़ाएं, उसको बचाए बनाए रखें। ये नहीं कि उनमें ट्रांसफॉर्म होने के चक्कर में अपने घर की चीज़ें जो है वो समाप्त कर बैठें, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है जब आप झारखंड के बाहर होते हैं तो झारखंड की संस्कृति को भी फॉलो करें और लोगों को भी बताएं। यात्रा का अंत का क्या है? देखिए 180 दिनों की ये यात्रा मैंने पहले सुनियोजित की थी और ये 2 सालों से प्लानिंग हो रही थी कि मैं घूमूंगा, पर मुझे लगता है 180 दिन अब कम पड़ जाएंगे। पहले पूर्व से निश्चित थी कि 3500 किलोमीटर भ्रमण करूँगा और अब जो हो गई है वो बढ़ के 4500 किलोमीटर हो गई है, बल्कि अब तो गाँव में भी विजिट करने लगा हूँ, सुदूर इलाकों तक में भी, दूर दूर तक। तो मुझे लगता है कि अब इसके अंत की कोई समय सीमा जो है वो बंद नहीं है, मुझे लगता है लेट हो सकती है। तो आगे जाने का प्रयोजन पहले से नीत रहता है या फिर
बिल्कुल विद इन वन वीक मैं ये करता हूँ सारी चीज़ें, मैं पहले से प्लानिंग हूँ वैसा तो नहीं बोलूँगा, बट सिचुएशंस पे भी डिपेंड होता है। जैसे अभी मौसम बीच में ख़राब होने लगे हैं, तो अब कभी 20 किलोमीटर होती है मौसम साफ होती, तो 25 किलोमीटर होती है, अब मौसम साफ नहीं होती तो कभी कभार 5 या 10 किलोमीटर भी हो पाती है। तो ये थे हमारे साथ जो पद यात्रा करके झारखंड की पहचान पूरे विश्व पटल पर लाना चाह रहे हैं, ऐसे युवाओं को बधाई और शुभकामनाएं।